SND College of Art, Commerce, Science and SND College of Engineering and Research Center के NSS यूनिट द्वारा आयोजित किया हुआ 2019-20 का NSS कैंप हम सब के लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले का कोटमगांव ये वही गांव है जहां हमने 7 दिन बिताए थे। इसी मंदिर के परिसर में हम 7 दिन के लिए रुके थे। जगदम्बा एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर श्री रुपेश बहु दराड़े, एसएनडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर यचन कुदर, एसएनडी कॉलेज ऑफ आर्ट कॉमर्स साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर भाऊसाहेब आंधले, इन सब की उपस्थिति में कैंप का उद्घाटन हुआ। दिन की शुरुआत असेंबली के साथ होती थी। हम सब ने स्कूल के बाद शायद पहली बार साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की होगी। स्वस्थ रहने के लिए कसरत जरूरी है, इसलिए प्रार्थना के बाद हम सब कसरत करते हैं। कसरत के बाद हम सब वॉलंटियर्स एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। गांव के हर एरिया में काम करना इजी हो, इसलिए हम वॉलंटियर्स की टीम्स बनाई थी। हर टीम्स को एक स्पेशल नाम दिया गया था, जैसे कि टीम नमो, टीम रॉयल, टीम जुगलबंदी, टीम अल्फा, टीम जगदम्बा, टीम स्वराज्य, टीम शिव तेज। हर टीम को गांव के अलग अलग एरिया में टास्क दिया जाता था। कैंप के 7 दिन हमने अलग अलग टास्क किए, जैसे हमने मंदिर एरिया की साफ सफाई की, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वो स्वच्छ और सुंदर रखना हमारा फर्ज है। हम सब वॉलंटियर्स 7 दिन कंधे से कंधा मिला के गांव के हर एक एरिया में साफ सफाई करते, जिसमें हमारे प्रोग्राम ऑफिसर अभाले सर, मडवई सर, घाड़गे सर, कातेपुरे सर, मोरे मैम, भागवत मैम हमारा साथ देते और बहुत अच्छी तरह गाइड भी करते। हम सब वॉलंटियर्स ने गांव के हर एक कोने में जाकर कई मुद्दों पे जन जागृति करने की कोशिश की।
वॉलंटियर्स घर घर जाकर स्वच्छता, जल का महत्व, शिक्षा, रोड सेफ्टी, ट्री प्लांटेशन, शौचालय, सवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसी कई सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। हमने स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी में रैली निकालकर जन जागृति की। हमने पूरे गांव में रैली निकालकर स्वच्छता का महत्व लोगों को समझाया। हम सब वॉलंटियर्स रोज का टास्क कंप्लीट करने के बाद एक साथ भोजन करते। खाना परोसने के लिए कुछ वॉलंटियर्स की टीम बनाई थी जो कि रोज चेंज होती थी। और ये वॉलंटियर्स खाना परोसने के बाद आखिर में खाना खाते थे। खाना खाने के बाद हम कुछ गेम्स खेलते, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन रखते जिसमें हमें एक टॉपिक दिया जाता था और हम उस टॉपिक पे डिबेट या ग्रुप डिस्कशन करते। कभी कभी स्टेज डेयरिंग बढ़ने के लिए एक एक वॉलंटियर्स आगे आके बोलते जैसे कि पोयम और स्पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जगण्याच्या धावपळीत रोज नवी ठेच आहे। जीवन कसे जगावे हाच एक पेच आहे। जीवनाच्या धावपळीत रोज नवी ठेच आहे। परारी घेतली अरे कोण होतं पाठीशी या मातीतील माणसं आहे ना ती असेल। अरे या मातीतील एखादा ढिकूळ कधीतरी हातात घ्या तो पाण्यात टाका त्या पाण्यावर जो तवा उठेल ना तो येथे खर्ची पडलेल्या मावळ्याच्या रक्ताचा असेल। अरे उगाच 7 दिन के इस स्पेशल कैंप में प्रतिदिन विभिन्न व्यक्ति विशेष हमें मिलने आते और विभिन्न मुद्दों पे हमें मार्गदर्शन करते।
प्राचार्य डॉक्टर भाऊसाहेब आंधळे सर, डॉक्टर मनोहर एरंडे सर, श्री नानासाहेब लहरीजी, श्री वारुळे साहेब जो की येवला के तहसीलदार थे, डॉक्टर भागवत भर मडवई सर, पीएसआई मुंडे सर, बड़े सर, गणेश लोहर सर, इन सब ने कैंप को विजिट दी और हमें मार्गदर्शन किया। समझे तो साथी, फिर भी अगर ना समझे तो साथी, खाली गोद दिखा देना, खाली गोद दिखा देना, मौत शहीदों की पाई तो आंख में आंसू मत लाना, घर जाके मत कहना तो साथी। कैंप के आखिरी दिन ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, जिसमें सब वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेट किया। एनएसएस वॉलंटियर्स ने एक नाटक प्रस्तुत किया जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ था। और वो भावुक वक्त आ गया था, उस वक्त हमें गांव को अलविदा कहना था। हम सब बहुत इमोशनल हुए थे। सात दिन का एनएसएस कैंप खत्म तो हो चुका था, पर उसकी कई सारी यादें हम अपने साथ लेकर बहुत कुछ सीखकर और गांव वालों पर अपनी छाप छोड़कर घर के लिए चल पड़ी।